देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने एवं नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। दमोह जिले में भी यह विजय संकल्प यात्रा पथरिया पहुंची। इस अवसर पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, सांसद प्रहलाद पटेल, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आम सभा को संबोधित किया। इन सभी ने राहुल गांधी सहित कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। गोपाल भार्गव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, माननीय सांसद प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय जयंत भैया, सब लोग यहां पर मंचासीन हो चुके हैं। मैं चाहूंगा जिलाध्यक्ष जी से, देवान भैया से कि कृपया सबको मंचासीन कराने की कृपा करें। सागर जिलाध्यक्ष प्रभु दयाल जी भी हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत है। बंधु बड़ी से महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रतिभा तिवारी जी भी अभी बहुत सारी बातें हो रही थी। हमारे बीच में उमेश शुक्ला जी भी हैं। अभी मनीष भाई, मनीष हमारे बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री पधार चुके हैं, उनका पथरिया शहर सम्मानी राकेश सिंह जी भी हैं, उनका भी कर दे रही बोले भारत माता की। बंधु हमारे बीच में जिनका हम सब बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष श्रद्धेय गोपाल भार्गव जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत भैया लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी का भी यहाँ पर आगमन होगा। और चौकीदारी की ताकत देखिए कि पहले पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलती थी, हमारे सेना के जवानों को निर्देश नहीं होते थे बदले में गोली चलाने के, कहीं ऐसा ना हो कोई संप्रदाय विशेष के लोग नाराज हो जाएं, और इसीलिए सफेद झंडा दिखाना पड़ता था। लेकिन आज पाकिस्तान की सीमा से अगर एक गोली चलती है तो बदले में गोलियों की बौछार होती है। सफेद झंडा हमारे सेना नहीं, पाकिस्तान की सेना दिखाते हैं। ये है चौकीदार की चौकीदारी, कब गए और कब लौट कर आ गए। लेकिन आज देखिए चौकीदारी की ताकत, इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया के ताकतवर को मुल्कों में भी जाकर खड़ा हो जाए तो वहां के शक्तिशाली से शक्तिशाली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रिय चौकीदार की आगवानी के लिए सड़क पर उतर कर खड़े होते हैं। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार चौकीदार की चौकीदारी देखिए। विकास के कार्यों के लिए तरसते थे लोग। मैं पूछना चाहता हूं दमोह संसदीय क्षेत्र के लोग यहां पर बैठे, अपने आसपास नजर घुमाकर देखिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से जितने विकास के कार्य आपने अपने संसदीय क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में, प्रदेश में और देश में होते हुए देखे हैं, इतने विकास के कार्य इसके पहले कभी किसी सरकार पर नहीं हुए। ये देश के चौकीदार की चौकीदारी है और इसलिए गर्व है हमें। और मैंने कुछ नेताओं के बारे में कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, ये नौजवानों के साथ जो मजाक हो रहा है ये मजाक नहीं होना चाहिए। इस बात को, मैं इस संदेश को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, नहीं तो नौजवान तुम्हारी सरकार का मजाक बना देंगे। ये हम कमलनाथ से कहना चाहते हैं, पकड़ के मुख्यमंत्री के लिए बाहर कर दूंगा, कान पकड़ के मुख्यमंत्री के लिए बाहर कर दूंगा। 10 दिन में 80 दिन हो गए हैं, यदि हर बार मुख्यमंत्री 10 दिन में बाहर करोगे तो तुम्हें 8 मुख्यमंत्री चाहिए पड़ेंगे। राहुल गांधी एक बार वोट ले ली, इसके बाद ठग लिया। जब कभी हम संस्कृति की तरफ देखते हैं पलटकर, तो जब भी कोई 3 मूर्तियों की बात करता है तो हमारा आत्मविश्वास और हमारा संबंध अपने आप बढ़ जाता है। और उसके मैं भी ये विश्वास करता हूं कि तीनों नेता जब प्रदेश में इस विजय अभियान के लिए निकले हैं
तो निश्चित रूप से सफलता मिलना तय है। ये जो संकल्प है, जनसंघ के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वागत किया। मैं चाहूंगा हम भी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। मैं अपनी बात कह रहा था कि जब कभी तीन मूर्तियां एक साथ निकलती हैं तो हमारे मन में एक आध्यात्मिक चित्र भी निकलता है। और मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति माननीय स्वराज सिंह जी है जो चुनाव जिताने का काम करते रहे। अकेले आदमी का अगर नाम आएगा तो वो चुनाव जिताने का प्रतीक माना जाता है। पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते राकेश सिंह जी पार्टी के संबल हैं, और मैंने जैसे कहा कि वो संकल्प के धनी भी हैं। तीसरे नेता प्रतिपक्ष हैं जिनसे हम सब परिचित हैं, उनकी वरिष्ठता, उनकी तर्क शक्ति। मैं विश्वास करता हूं कि कमलनाथ की कोरवी सरकार में उनके तर्क एक चक्र की तरह उसको ध्वस्त करेंगे और मोदी जी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। विजय संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं स्वयं और नेता प्रतिपक्ष माननीय गोपाल जी और इसके साथ साथ प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इस संघ विजय संकल्प अभियान में, इस विजय संकल्प सभा में कहीं ना कहीं शामिल हों, इस दृष्टि से पूरी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम पर निकल पड़ी है। और मुझे बहुत प्रसन्नता ये कहते हुए कि अभी तक जितने स्थानों पर भी इसके तहत हम गए हैं, विजय संकल्प सभाएं हमने की हैं, कार्यकर्ताओं में तो ज़बरदस्त उत्साह है ही, लेकिन उसके साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है। जनता ये महसूस कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो इसकी पवित्रता को उन्होंने न सिर्फ बनाकर रखा बल्कि इसके माध्यम से लोगों को ये महसूस हुआ कि चौकीदार की चौकीदारी की ताकत क्या होती है। और इसलिए देश आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा है। देश के बाहर के खतरों से हम लगातार निपट रहे थे, लेकिन देश के भीतर से ही जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनसे भी हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही निपट सकते हैं, ऐसा देश की जनता का भरोसा है। और इसलिए मध्य प्रदेश में 29 में से 26 लोकसभा की सीटें आज हमारे पास में हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 29 में से 29 लोकसभा सीटें हम जनता के आशीर्वाद के बूते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण जीतने वाले। ट्विटर पर सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जन हैं उन्होंने चौकीदार नाम लिखा हुआ है, क्या इसके पीछे पूरा संदेश है? मैंने कहा देश में पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा हो, ये कहते हुए गर्व महसूस किया हो कि मैं चौकीदार हूँ। और चौकीदार की चौकीदारी की पवित्रता और ताकत क्या है, ये देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लोगों को समझ में आया है। और आप देखिए, जब हम कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ तो जनता भी कहती है कि मैं भी चौकीदार हूँ। और इसीलिए चौकीदार की चौकीदारी की ताकत को और ताकत देने के लिए पूरे देश की जनता इसमें जुड़ रही है। मध्य प्रदेश की वेबसाइट, उस पर मवेशी चराने का, बाजा बजाने का, सांप बिच्छू पकड़ने का, ये सब रोजगार है, रोजगार शामिल है। 4,000 रुपये महीने तो दिए नहीं बेरोजगारी भत्ते का, अब सांप बिच्छू पकड़ने का और ढोर चराने का कह रहे हैं लड़कों से। क्या लगता है सरकार कितनी सफल रही है, दमों में एक मर्डर भी हो गया? सफल तो क्या, इससे विफल सरकार इतने कम समय पूत के गुण पालने में दिख गए हैं। यदि साल दो साल ही सरकार चल गई तो आधा मध्य प्रदेश खाली हो जाएगा, गुंडे लूट लेंगे पूरे मध्य प्रदेश को। बड़ी बड़ी जो डाके डाकुओं की गैंगें हैं उनसे ही बड़ी गैंगें अब तैयार होने वाली हैं।